सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है और आप किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल से ही किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। या दोस्तों आपको बैंक जाने की पड़ेगी, आप अपने मोबाइल से ही किसी और के अकाउंट में, चाहे वो किसी का भी अकाउंट हो, आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो अपने मोबाइल से ही घर बैठे। तो मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, एकदम लाइव दिखाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ सके। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा तरीका लाइव दिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसे दोस्तों आपको पता है कि कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन कैसी होती है, तो इतना ओपन करने के बाद दोस्तों आपको आना है नीचे ऑप्शन पर, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए दोस्तों पे एंड ट्रांसफर और ट्रांसफर मनी, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने का दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो पिन होती है आपको पिन डालनी है। तो चलिए दोस्तों मैं अपनी पिन डाल देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे आप इसे पिन डालोगे, पिन डाल के ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। पिन डालने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। दोस्तों आप ये सारे मेरे दोस्तों मैंने बैंक में ट्रांसफ़र किए हैं, पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। दोस्तों आप इनके ऊपर किसी भी पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप रिपीट पर क्लिक करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। बट दोस्तों अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर आना है सेंड मनी वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर क्लिक करने का दोस्तों आपको आना है इस पर वन टाइम ट्रांसफर लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने का दोस्तों आपको किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करने हैं, तो आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है अकाउंट नंबर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी अकाउंट में, जिसमें दोस्तों बैंक में अकाउंट है, जिस अकाउंट में आप पैसे भेजना चाहते हो वो किस बैंक का है, तो आपको बैंक सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर बैंक सेलेक्ट हो गए तो आपको यहाँ पर IFSC कोड डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है जो भी अकाउंट होता है, जिस भी ब्रांच में होता है वहाँ का जो कोड होता है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आप जिस भी अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हो अगर आप वहाँ का जो IFSC कोड अलग है और इसमें दोस्तों कोई अलग आ रहा है, दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसी को ही बना रहने दें, आपके पैसे अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिकली IFSC कोड ऐड हो चुका है तो मैं इसी बना रहने देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे अपना अकाउंट नंबर डालना है, जिस भी अकाउंट पर दोस्तों मुझे पैसे भेजने तो मैं यहाँ पर डालता हूँ। तो चलिए मैं डाल देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अकाउंट नंबर डालने का दोस्तों यहाँ पे मुझे पैसे भेज नंबर डालना है जो भी मैंने डाला था। अब अकाउंट नंबर डालने का दोस्तों मुझे यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करना है, जिस भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ वो अकाउंट किस टाइप का है, जिस भी टाइप का अकाउंट है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब अकाउंट सेलेक्ट करने का दोस्तों यहाँ पर आपको जिसके अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हो उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाम। नाम लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है कि आपको कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको, फिर सिर्फ एग्जाम्पल लगा रहा हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ 500 ही कर देता हूँ। अब रिमार्क में दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे आप जो भी लिख दो या फिर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आई लिख देता हूँ जिससे दोस्तों आपको आगे के लिए याद रहे। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे तो ऊपर वाले ऑप्शन भी आपको बना दे देना है वन टाइम IMPS पे ही। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपका क्या अकाउंट नंबर है और आप जिस अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हो वो क्या अकाउंट नंबर है और कौन सी बैंक का है और किस नाम से अकाउंट है। जो आपने अभी यहाँ पर सब कुछ डिटेल भरी थी वही डिटेल यहाँ पर सामने आ जाएगी, जिससे आपको एक बार देख के दिक्कत ना आए कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। और दोस्तों पूरी डिटेल आ जाती है यहाँ पर कि आप कितने पैसे भेजना चाहते हो, उसके बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे रह जाएंगे, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आता है। जब सब कुछ सही हो तो आपको यहाँ पर कंफर्म एंड पे पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपना फिर से MPIN डालना पड़ेगा, जो MPIN आपने अपने इस अकाउंट में बनाया है।
दोस्तों मैं डाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप एम पिन डालोगे तो ऑटो में देगी दोस्तों, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और जिसके अकाउंट में आपने भेजे हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखिए दोस्तों ऊपर मैसेज आ चुका है पेमेंट सक्सेसफुल का, और दोस्तों हमारे अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, हमारे पास मैसेज आ चुके हैं बैंक की तरफ से हमारे फ़ोन पर। दोस्तों इस तरीके से आप किसी के भी अकाउंट में अपने मोबाइल से ही पैसे भेज सकते हो। अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है और आप अपने मोबाइल में कोटक महिंद्रा बैंक की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके उसमें अपना अकाउंट ओपन करके किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको बैंक जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तरीका आसानी समझ में आ चुका होगा, आप अच्छे समझ चुके होंगे कि आप अपने मोबाइल से ही कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी अकाउंट में। अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है तो कैसे आप किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने मोबाइल से ही। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक उसे जरूर करना, और अभी तक आपने जहाँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बार बार लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।